यहां हम समझने वाले हैं व्हाट इज द टाइम फॉर इंडिया एंड हाउ इंडिया कैन रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद रशिया। मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखिए एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया उसके कारण पूरे का पूरा इंटरनेशनल ओपिनियन कहीं ना कहीं चेंज होना स्टार्ट हो गया, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए। उसके कारण हर एक कंट्री ने अपने रिलेशनशिप को विद रिस्पेक्ट टू रशिया उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली इंडिया का जो फॉरन पॉलिसी वो भी अपने रिलेशनशिप को लगातार रीडिफाइन कर रहा है विद रशिया। नाउ इसी कारण क्या हो रहा है, इंडिया लगातार अब यहां से कहीं ना कहीं दो मेन कंट्री के बीच में फंसा हुआ है, वन इज यूएसए एंड सेकंड इज रशिया। इंडिया को किसका साथ देना चाहिए किसका साथ नहीं देना चाहिए उसी कारण जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वही इंडिया राइट नाउ फेस कर रहे हैं। तो राइट नाउ इंडियन डिप्लोमेटिक जो इंडियन डिप्लोमैट्स वगैरह हैं उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है किस तरीके से इंडिया का जो ग्रेट पावर रिलेशन है उसको किस तरीके से मूव करना है फ्यूचर के अंदर। मतलब रशिया की तरफ रहना है नहीं रहना है, रशिया से कितना ज्यादा अलाइनमेंट रखना है, इन सब चीजों के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार यहाँ पर इमर्ज हो रही है। अब एक चीज समझिए, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हिस्टोरिकली हम प्रो रशियन रहे हैं, राइट। हम हमेशा मतलब हमने रशिया का सपोर्ट दिया है बिकॉज रशिया ने हमारा सपोर्ट किया है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। अगर आप देखेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टाइम एंड अगेन जब प्रो पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स ने बहुत सारे ऐसे कैंपेन वगैरह इंडिया के अगेंस्ट स्टार्ट किए हैं तो हर बार रशिया ने हमारा साथ दिया है एंड दैट इज वाई राइट नाउ इंडिया इज रिटर्निंग द फेवर बाई बींग विद रशिया, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए, बहुत सारे ऐसे इंडियंस अभी भी राइट नाउ हैं हु हैव बीन टेकन अबैक, मतलब जिनको लिटरली शॉक लगा था जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। देखिए यूक्रेन इज अ काइंड ऑफ अ सॉवरन कंट्री, यूक्रेन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसके बावजूद रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया उसके कारण प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई थी। नाउ लेट्स थिंक अबाउट यूक्रेन। यूक्रेन एक पूरी तरीके से सॉवरन कंट्री है जो कि पहले सोवियत रिपब्लिक का पार्ट यानी कि यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। नाउ व्हाट इज द मेन गलती ऑफ यूक्रेन एज अकॉर्डिंग टू रशिया, यूक्रेन ये चाहता है कि वो जो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसका एक टाइप का मेंबर बन जाए, राइट, ये चाहता है यूक्रेन। नाउ इसी चीज के कारण रशिया यहां पर इन्फ्यूरिएटेड है, काफी ज्यादा गुस्से में है। बट समझिए भले जितने मर्जी गुस्से में रशिया यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेप के कारण हो, बट क्या ये एक सफिशिएंट कंडीशन है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देना था? नो, ये दिस इज टोटली इनसफिशिएंट कंडीशन, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। इसके कारण आप किसी भी दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं कर सकते हैं। राइट नाउ देखिए जैसे सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, अब कल को अगर पाकिस्तान जाकर बोलता है कि वो एंटी यू नो इंडिया यानी कि जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि एंटी इंडिया है टाइप से बिकॉज वो चाइना उसको स्टार्ट कर रहा है और इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो क्या कल को अगर और हमें पता है कि पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ बीआरआई ऑब्वियसली, सो अगर पाकिस्तान ने बीआरआई को पार्टिसिपेट किया तो क्या कल को जाकर इंडिया है पाकिस्तान के ऊपर जाकर अटैक कर देगा? नो, इस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर मूव नहीं करता है। ग्लोबल ऑर्डर शुड मूव ऑन यू नो हर एक कंट्री का अपना खुद का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। पाकिस्तान अगर बीआरआई को चूज कर रहा है दैट इज बिकॉज पाकिस्तान को उसके अंदर कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा है। सिमिलरली इंडिया को अगर फायदा दिख रहा है तो बीआरआई को मतलब एक्सेप्ट करे, नहीं दिख रहा तो ना करे, सिंपल वर्ड्स में। बट इंडिया किसी दूसरे कंट्री को यहां पर फोर्स नहीं कर सकता। सिमिलरली रशिया और यूक्रेन को अगर आप देखेंगे तो रशिया के अगेंस्ट नेटो है वो हम सब जानते हैं, बट अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है उससे रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, इंडिया ने अभी तक डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया है रशिया के किसी भी एक्शन के लिए, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन एक ही सिंपल सा रीजन है कि हिस्टोरिक इंडिया और सोवियत रिलेशन जो यूनियन का जो पार्टनरशिप रहा है जो रिलेशनशिप रहा है दैट हैज बीन सो स्ट्रांग कि इंडिया उस पर्टिकुलर चीज को खराब नहीं करना चाहते हैं। इसके बावजूद देखिए अगर आप इंडियन जो वेस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज ने लगातार टाइम एंड अगेन इंडिया को क्रिटिसाइज किया है बिकॉज इंडिया लगातार एब्सटेन कर रहा है। कोई भी यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग हो रही है, कोई भी यहाँ पर यूएन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का यहाँ पर वोटिंग हो रही है, हर एक जगह पर इंडिया एब्सटेन कर दे रहा है, इंडिया वहाँ पर मतलब वोटिंग ही नहीं कर रहा है। एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज तो है जो मतलब इंडिया से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप रशिया को देखेंगे, रशिया लगातार इंडिया का प्रेस कर रहा है। सो रशिया का अगर इंडिया को प्रेस करने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर रशिया जो है वो इंडिया के लीग के अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया जो है रशिया के लीग के अंदर आ रहा है, दैट इज मतलब बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाए। नाउ हाउ दिस हैज यू नो इंपैक्टेड द ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखिए एक तरफ समझिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया की तरफ मतलब इंडिया की ओर बहुत सारा वेस्टर्न क्रिटिसिज्म आ रहा है, इसके बावजूद इंडिया ने इस चीजों के ऊपर ज्यादा कुछ केयर नहीं किया है। इंडिया हैज सिंपली डिसाइडेड कि ठीक है हम बाद में अपने रिलेशनशिप को फिर से एक बार इंप्रूव कर लेंगे, बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं होने दिया इंडिया ने अभी तक, ठीक है। और इसके कारण इंडिया राइट नाउ एक बहुत ही बड़े यू नो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी कॉरिडोर में फंसा हुआ है, यानी टाइप का डायलेमा में फंसा हुआ है जो कि यू नो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर तो फिनिश नहीं होने वाली है। देखिए रशिया के साथ जो रशिया के रिलेशनशिप है बाकी कंट्री के साथ वो तो कहीं ना कहीं खराब होने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, साथ ही साथ इंडिया जो कि रशिया का सपोर्ट दे रही है इंडिया के रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं खराब होने स्टार्ट हो गए हैं। और इसके कारण देखिए इसका मेन रीजन ये है कि राइट नाउ जो ग्लोबल ऑर्डर है पूरे का पूरा चेंज हो रहा है। अब ये जब रशिया यूक्रेन का जब वॉर फिनिश होगा ना तो आप देखिएगा कि किसी भी दो कंट्री के रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं रहने वाले, रिलेशनशिप लगातार
चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाए, हो सकता है कि नेटो के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाए, हो सकता है कि फिर से रशिया की जो मतलब जो जो पावर्स वगैरह दिख रही है उनके अंदर कुछ चेंजेस लाए जाए, सिमिलरली हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ चेंजेस आए। द पॉइंट इज एवरी सिंगल स्फीयर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन दैट विल बी इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस और उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। राइट, समझिए वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने क्या किया है, अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस वगैरह लगा दिए हैं रशिया को। इससे क्या इंडिया को कोई डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है? नो, इंडिया के ऊपर कोई डायरेक्टली इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है, बट समझिए इसके कारण, इन सैक्शन के कारण जो ग्लोबल फाइनेंस है, एनर्जी सप्लाईज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके ऊपर मतलब इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है। उसके कारण इंडिया की जो एबिलिटी है टू इंपोर्ट रशियन ऑयल, इंडिया आप जानते हैं कि रशिया से भी ऑयल को इंपोर्ट करता है, अब वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंडिया के ऊपर भी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट थे वो सब आने स्टार्ट हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस रशियन मिलिट्री की बात करते हैं। अगर आप रशियन मिलिट्री की बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में देखिए, रशिया इज अ बिग माइट, रशिया एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है, यूक्रेन भी एक अच्छी इकॉनमी है, एक पावरफुल इकॉनमी है, बट नॉट एज कम्पेयर टू रशिया। यूक्रेन एक बहुत ही वीक इकॉनमी है अगर हम उसको रशिया से कंपेयर करेंगे, बट इसके बावजूद रशिया अभी तक देखिए रशियन मिलिट्री जो है अभी तक यूक्रेन के कीव के अंदर नहीं घुस पाई है। समझिए इस चीज को, ठीक है, कीव के अंदर मतलब कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, उसके अंदर अभी तक घुस नहीं पाई है। इसी कारण रशियन मिलिट्री की जो इमेज है वो पूरी तरीके से टार्निश हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। सेकंड चीज, जो यूक्रेन का कैंपेन है उसके अंदर रशिया ने पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया है। इसका मतलब है रशियन मिलिट्री ने जो जो यहां पर टारगेट्स अचीव किए थे उनमें से कुछ भी टारगेट अभी तक ठीक से अचीव नहीं कर पाई है। नेक्स्ट चीज, अगर आप यूक्रेन का देखेंगे, यूक्रेन के पास एक छोटी सी फोर्स थी, बट उसके बावजूद उसने रशियन के माइटी फोर्सेस को यहां पर कब से रोक के रखा हुआ है। तो अगर आप समझिए, भले ही फिजिकली मतलब यूक्रेन इसे डायरेक्टली जीत नहीं पा रहा है, बट मॉरल विक्ट्री, जो मॉरल विक्ट्री है दैट इज डेफिनेटली विद यूक्रेन राइट नाउ। और रशिया यहाँ पर मॉरली बहुत बुरी तरीके से हार रहा है। आपको याद होगा कल हमने बात की थी मारियोपोल के बारे में, मारियोपोल को बात करते टाइम हमने एक चीज बात की थी कि रशिया यहाँ पर पूरी तरीके से यू नो बैकफुट पे है। उसके कारण अपनी खुद की कहीं ना कहीं इमेज को बचाने के लिए जो रशिया है वो मारियोपोल को यहाँ पर कैप्चर करना चाहता है, ठीक है। तो वो अब देखिए, अब बात यहाँ पर मॉरल विक्ट्री तक आ चुकी है, मतलब रशिया यहाँ पर इनडायरेक्टली बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहा है। उसको खुद को इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं, उसको खुद को पॉलिटिकल लॉस हो रहा है, उसको खुद को जियो स्ट्रेटेजिक मतलब बेसिकली लॉसेस हो रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड यूक्रेन के जो रिलेशनशिप है बाकी कंट्री के साथ वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। भले ही शॉर्ट टर्म में यूक्रेन को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यूक्रेन विल हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फायदास जो कि इस पर्टिकुलर वॉर से उनको हो रहा है। अगर आप दो महीने पहले की बात करेंगे, मिस्टर पुतिन को एक बहुत ही क्राफ्टी स्ट्रेटजिस्ट बोला जाता था, एक कैरिस्मेटिक हीरो बोला जाता था, जिसने रशिया को यू नो एक बैड टाइम से निकाल के एक बेसिकली गुड टाइम्स में लेकर आया। बट राइट नाउ अगर आप समझेंगे, मिस्टर पुतिन की सारी की सारी इमेज फिर से खराब होनी स्टार्ट हो गई है। ना ही उनको अब किसी भी टाइप का स्ट्रेटजिस्ट बोला जाता है, ना ही उनको अब हीरो बोला जाता है। इट इज सिंपली सेड कि उन्होंने रशिया को कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन की तरफ धकेल दिया है। समझिए, रशिया को यहाँ पर चाइना और इंडिया के अलावा कोई और थर्ड कंट्री अभी सपोर्ट भी नहीं कर रही। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट रशिया इज फेसिंग राइट नाउ। सिमिलरली अगर आप रशिया की रेपुटेशन की बात करेंगे तो दैट हैज सिवियरली ब्रूस्ड, पूरी तरीके से खराब होनी स्टार्ट हो गई है। अब अगर एक तरफ आप मिस्टर पुतिन को देखेंगे, मिस्टर पुतिन जो है पिछले 20 साल 22 साल से ऑलमोस्ट एक यू नो यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरह हैं, यहाँ पर रशिया के अंदर यहाँ पर वो चीफ स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, यहाँ पर मतलब उन्होंने सारे के सारे डिसीजंस लिए हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर जो प्रेसिडेंट है, अगर आपको मालूम होगा तो ही वॉज अर्लियर कॉमेडियन, वो पहले कॉमेडियन हुआ करते थे। ही इज अ कॉमेडियन टर्न प्रेसिडेंट, मतलब कॉमेडियन टर्न प्रेसिडेंट है। और सोचिए, एक कॉमेडियन टर्न प्रेसिडेंट ने पिछले सिर्फ कुछ महीनों के अंदर इस 22 साल के पर्सन यानी 22 साल के एक्सपीरियंस मिस्टर पुतिन को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी हॉलोनेस शो कर दी है। मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच में नो वन हैड एवर थॉट कि यूक्रेन स्टैंडेड अ चांस, और 2014 के अंदर यूक्रेन डिड नॉट इवन स्टैंडेड अ चांस जब क्रीमिया को बहुत ही आसानी से कुछ हफ्तों के अंदर उन्होंने एनेक्स कर लिया था रशिया ने। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यूक्रेन यहाँ पर ऑलमोस्ट एक मंथ से रशिया के सामने खड़ा हुआ है, बट स्टिल Ukraine is not ready to surrender. Ukraine is not ready to give up. और यहाँ पर Russian forces हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थक गए हैं और वापस जाने की मतलब demands वगैरह कर रहे हैं। This is the kind of impact that Ukrainian president is having on this particular thing. ये जो war हो रहा है इसके ऊपर। Now, एक चीज समझिए, रशिया यहाँ पर हम जानते हैं कि लगातार उसको आइसोलेट किया जा रहा है। तो अभी रशिया के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, रशिया के अगर तो कोई दो मेजर इकोनॉमी है जो कि रशिया को राइट टू सपोर्ट कर रही है, दैट इज इंडिया एंड चाइना। अब एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया बहुत लॉन्ग टर्म तक रशिया को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज इंडिया अपने आप में एक टाइप की डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इंडिया को तो छोड़ दीजिए। सेकंड कम्स चाइना। इसका मतलब यह है कि रशिया लगातार चाइना की तरफ जा रहा है। अब चाइना लगातार देखिए, चाइना और रशिया दोनों के अंदर कॉमन पता क्या है? दोनों के अंदर कॉमन यह है कि उन्होंने आसपास के जो कंट्रीज हैं, जैसे जो रशिया है उसके आसपास में यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये सब हो गया, और चाइना के आसपास में हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, इन सब कंट्री के ऊपर जो साउथ चाइना सी के जो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये सब हो गया, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं एक टाइप का बॉसी एटीट्यूड शो करने की कोशिश की है। मतलब चाइना और रशिया दोनों ने आसपास के रीजन के अंदर अपना कंट्रोल को इंक्रीज करने की कोशिश की है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया के जो रिलेशनशिप है चाइना और रशिया दोनों के साथ ही, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेटजिक चॉइसेस लेने पड़ रहे हैं। मतलब कि ऐसे चॉइसेस लेने पड़ रहे हैं जो कि इंडिया नॉर्मल कंडीशंस में लेना नहीं चाह रहा था।
अगेन समझिए, अगर यहां पर रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया इंडिया की तरफ तो पूरी तरीके से आ नहीं सकता है, तो इट विल हैव टू गो टुवर्ड्स चाइना। इसका मतलब है रशिया और चाइना का रिलेशनशिप जो लगातार यहां पर इमर्ज हो रहा है, और समझिए इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिया का रिलेशनशिप विद रशिया यहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया यह चाहता है कि रशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है उतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, बिकॉज देखिए इंडिया को यहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं रशिया की मतलब रशिया की जरूरत है। अभी हम ऑलरेडी हमारे जो रिलेशनशिप यूएसए के साथ है ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट दिस रशिया और यूक्रेन के के कारण इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप है धीरे धीरे वो डाउन होने स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज यहां पर इंडिया यूएसए के साथ नहीं दे रहा है, लगातार रशिया के साथ दे रहे हैं। तो इस केस में हमें चाहिए कि इंडिया रशिया जो मतलब इंडिया है वो रशिया के क्लोज रहे, रशिया इंडिया के साथ दे, बट यहां पर हम देख रहे हैं कि रशिया लगातार चाइना के क्लोज जा रहा है। अब एक चीज समझिए, हो सकता है कि रशिया को राइट नाउ पता ही ना हो कि यूक्रेन के अंदर उनको क्या चाहिए, बट एक चीज मिस्टर पुतिन को डेफिनेटली पता है, एक चीज उनको समझ आ रहा है कि उनकी जो करेंसी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रही है, उनके ऊपर सैंक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दिए गए हैं, और थर्ड जो रशियन इकोनॉमी है उसकी जो हालत है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब सोचिए रशिया को यहां पर पैसे कौन देगा, ठीक है, रशिया का जब यहां पर धीरे जाकर आगे जाकर प्रॉब्लम बढ़ेगी तो इंडिया यहां पर रशिया को इकोनॉमिकली हेल्प कौन करेगा, रशिया का जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो कौन करेगा, रशिया को जो यहां पर रॉ मटेरियल्स वगैरह वो कौन प्रोवाइड करेगा, रशिया के लिए मार्केट की तरह कौन काम करेगा। द पॉइंट इज सबका आंसर यहां पर रशिया कहीं ना कहीं चाइना के अंदर ढूंढ रहा है। रशिया चाहता है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि चाइना का जो मिलिट्री और चाइना का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, मतलब जो चाइना का जो मिलिट्री जो इकोनॉमिक चीज है उसको रशिया यहां पर अपने फायदे के लिए यूज करे। बट एक चीज समझिए, अगर रशिया यहां पर चाइना के क्लोज जा रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो चाइनीज चैलेंज है इंडिया के लिए वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। समझिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडो पैसिफिक का, इंडो पैसिफिक को पार्ट है जहां पर इंडिया एक्चुअली एक लीडर बनना चाहते हैं, बट सामने कौन सा लीडर है, सामने लीडर है चाइना। चाइना यहां पर इंडिया को लगातार टाइम एंड अगेन चैलेंज कर रहा है। ऑलराइट, अब देखिए चाइना यहां पर राइज कर रहा है, चाइना ने अपने मिलिट्री इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबको इंक्रीज किया है थ्रू बीआरआई इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू स्टार्ट मतलब इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। इस चीज को चैलेंज करने के लिए इंडिया अब तक के लिए रशिया का सपोर्ट ले रहा था, इंडिया अब तक यूएसए का सपोर्ट ले रहा था, तो यूएसए का चलो छोड़िए, यूएसए को आएगा इसमें बिकॉज यूएसए का अपना खुद का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, बट अगर आप रशिया को देखेंगे तो रशिया तो यहां पर अगर चाइना के क्लोज जा रहा है तो हो सकता है कि रशिया आगे जाकर बीआरआई को ज्वाइन ही कर ले, और इंडिया जो एक्चुअली रशिया के साथ सपोर्ट लेना चाहता है बीआरआई को काउंटर करने के लिए वो चीज पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकंड चीज, अगर आप चाइना के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को देखेंगे तो जितने भी बाउंड्री डिस्प्यूट है हमारे यहां पर उनमें से एक भी सॉल्व नहीं हो रहा है, लगातार वो और ज्यादा एग्रेवेट होते जा रहे हैं और ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। अब एक चीज समझिए, अभी राइट नाउ इंडिया का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि देखिए चाइना का लगातार जो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक के अंदर बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए यूएसए को आना चाहिए। इंडिया चाहता है कि यूएसए आए इंडो पैसिफिक रीजन में और चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करे ताकि चाइना इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो ना कर पाए। बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो क्या यह पॉसिबल है, अभी यूएसए राइट नाउ कहीं ना कहीं फंसा हुआ है रशिया के डायर नीड के अंदर, जो रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है उसके अंदर फंसा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वो चाइना की तरफ ध्यान दे नहीं पा रहा है, एंड दिस इज द मेन थिंग। चाइना को यहां पर एक अनप्रेसिडेंटेड पावर मिल गई है बिकॉज चाइना को यहां पर रोकने वाला कोई नहीं है, तो ओनली कंट्री यूएसए जो कि इसको रोक सकता था वो राइट नाउ रशिया के साथ फंसा हुआ है, रशिया के साथ वहां पर बिजी है, उसके कारण यूएसए यहां पर चाइना के ऊपर ध्यान दे नहीं रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस यहां पर चाइना जो है कहीं ना कहीं यूनिलेटरली अपने पावर को फिर से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है इनसाइड दिस इंडो पैसिफिक पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री, क्यों इंडिया हिस्टोरिकली जो नैरेटिव्स वगैरह थी उसको चूज करके रशिया की तरफ हो रहा है। जब कोल्ड वॉर फिनिश हुआ था तो उस टाइम इंडिया जो थी वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ढूंढ रही थी, मतलब इंडिया अपने खुद की रिलेशनशिप को खुद से ही इंक्रीज करने की कोशिश कर रही थी। उस टाइम इंडिया ने जो नॉन अलाइन पॉलिसी को जो मतलब स्टार्ट किया था, नाम को स्टार्ट किया था, उसको रीब्रांड करके इंडिया अपने उस चीज को इंक्रीज करना चाहता है, स्पेशली कोल्ड वॉर के टाइम में। अब देखिए समझिए, उस टाइम में जो इंडिया मतलब बेसिकली करना चाह रहा था, उस टाइम देखिए उस टाइम में यूएसए इमर्ज एज अ सुपर ग्लोबल पावर, राइट, एक सोल ग्लोबल पावर की तरह उसने अपने आप को इमर्ज करना स्टार्ट किया ना। उस पर्टिकुलर टाइम में यूएस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने आसपास की मतलब बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे मिलकर एक मल्टी अलाइनमेंट का पॉलिसी लेकर आया। उसके अंदर कौन कौन आती है, देखिए इंडिया के अलावा वी हैव चाइना, वी हैव रशिया, ठीक है, उसके अलावा यू हैव साउथ अफ्रीका एंड वी हैव ब्राजील। ठीक है, अगर आप ब्रिक्स कंट्री आपको याद होगा तो ब्रिक्स कंट्री आती है जो कि यूएसए के पावर को यहाँ पर मतलब हेजेमनी को यहाँ पर चैलेंज करती है और जो यूनिलेटरल जो वर्ल्ड बन चुका है उसको मल्टीलेटरल की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। नाउ ये चीज तो हो गया यहाँ पर, ये सब चीजें कि किस तरीके से इंडिया और बाकी कंट्री साथ साथ में आ रहे हैं, हिस्टोरिकली क्यों साथ में आ रहे हैं, बट अगर आप समझेंगे तो जो रियलिटी होती है ना उसके बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। सिर्फ इस चीज के कारण कि हमें यूएसए को यूनिलेटरली चैलेंज करना है, सारी कंट्री साथ में नहीं आ सकती, सिंपल वर्ड्स में। एक चीज और समझिए, यहाँ पर अभी इंडिया राइट नाउ इंडिया ये याद कर रहा है कि जब कोल्ड वॉर के टाइम में जब इंडिया खुद प्रॉब्लम में था उस टाइम कौन कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसने इंडिया का सपोर्ट दिया था। अगर उसमें जाएंगे तो यूएसए कहीं आसपास भी नहीं है, राइट, उस टाइम तो सिर्फ रशिया और यूएसएसआर नाम की ऐसी कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि इंडिया का लगातार सपोर्ट करती है, एंड दैट इज वाई जो इंडिया है लगातार यूएसएसआर को चूज करता है ओवर द वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए जो पंडित नेहरू थे उन्होंने न्यूट्रलिटी को एडवोकेट किया था, उन्होंने नैम पॉलिसी लेकर आई थी कि हम किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे। नाउ
उस टाइम में मतलब 1947 के टाइम में जो हम इंडिपेंडेंट पोस्ट कॉलोनियल फॉरेन पॉलिसी हम चाहते थे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो बिल्कुल सही था, लेकिन ओवर टाइम हमने देखा कि यूएसएसआर वाज अ बेटर पार्टनर एज कंपेयर टू वेस्टर्न, जो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए, इसलिए हमने धीरे धीरे यूएसएसआर की तरफ मतलब अलाइन होना स्टार्ट कर दिया। अगेन समझिए, अगर यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं तो यूएस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाइना को यहाँ पर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया और चाइना ने मतलब इंडिया और जो रशिया है दोनों ने साथ में मिलकर मतलब चाइना का यहाँ पर हेल्प लिया और यूएसए की जो यूनिपोलैरिटी थी इसको यहाँ पर मतलब वो करना काउंटर करना स्टार्ट कर दिया। ना समझिए एम क्या था, जैसे हमने पीछे बात की एम था मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना, एम था इस तरीके से कि यूएस एक यूनिटरल पावर बन के ना आगे बढ़ पाए, दैट इज वाई इंडिया एक्चुअली चूज यूएसएसआर। इंडिया उस टाइम मिलिट्री के लिए या फिर किसी और चीज के लिए रशिया को चूज नहीं किया था, उस टाइम इंडिया ने इसलिए चूज किया था कि किसी तरीके से यूएसए का जो मतलब अनब्रिडल पावर है जो लगातार इंक्रीज हो रहा है उसको यहाँ पर डिक्रीज करना होगा। नाउ यहाँ पर इंडिया एक साथ एक प्रॉब्लम और थी, एक प्रॉब्लम ये था 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज क्या होती है बहुत ज्यादा इंटिमिडेट करती है रशिया को, तो रशिया उस टाइम एक छोटे से बच्चे की तरह हो गया था जिसको जो बड़े बच्चे हैं वो लगातार इंटिमिडेट कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। और इंडिया आप जानते हैं इंडिया हैज ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट द बुलीज, राइट, जो भी बुली करते हैं उनके अगेंस्ट हमेशा इंडिया रहा है। दैट इज वाई रशिया के साथ इंडिया की एक कहीं ना कहीं दोस्ती इसलिए भी स्टार्ट हुई बिकॉज रशिया को लगातार बुली किया जा रहा था बाय वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया चाहते थे कि रशिया यहाँ पर बुली ना हो, इंडिया अपने मतलब जो रशिया है अपने पैरों पर वो हो, ठीक है, स्टैंड करे। दैट इज वाई इंडिया ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ दिनों तक तो इंडिया रशिया चाइना इन सबके रिलेशनशिप लगातार होते रहे, मतलब काफी ग्रो करते रहे, सेम पाथ पे सबके साथ रहे, सबने म्यूचुअली कोऑपरेट किया। बट कुछ ही दिनों में ये मालूम चल गया कि इंडिया और चाइना जो है आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल बनती नहीं है, इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है आपस में बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन एक चीज समझिए, इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप अच्छे नहीं था बट इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप तो अच्छे थे। इंडिया चाहता था कि चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बट रशिया के साथ रिलेशनशिप को अच्छा रखना है बिकॉज रशिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्म्स सप्लायर है इंडिया के लिए। अब इंडिया को कोई भी वेपन्स वगैरह चाहिए तो सब यहाँ पे इंडिया रशिया से ही ले सकता था, दैट इज वाई इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता था, ठीक है। अब एक तरफ समझिए, एक तरफ तो हमने रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को लगातार इंप्रूव किया, ऑन द अदर हैंड वी हैव यूएसए। अब अगर आप यूएसए के साथ समझेंगे तो यूएसए के साथ भी इंडिया ने अपने रिलेशनशिप को लगातार इंप्रूव किया है ऑन द मतलब प्रिटेक्स्ट ऑफ बैलेंसिंग। इंडिया ने बोला है कि हम लगातार बैलेंसिंग करेंगे, मतलब कि यूएसए के बदले में हम यूएस जो रशिया है उसके साथ हम रिलेशनशिप रख रहे हैं ताकि हमारी रिलेशनशिप यूएसए के साथ भी रहे और जो रशिया है उसके साथ भी रहे। लेकिन इसके बावजूद हमने अपने डिपेंडेंस का जो वेस्टर्न जो मतलब जो बेसिकली रशियन वेपन्स है उसके ऊपर अपने डिपेंडेंस को यहाँ पर रिड्यूस नहीं होने दिया है। सिंपल सा मतलब यह है, इंडिया ने 1990s तक ऑलमोस्ट अपने वेपन्स का खुद का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट नहीं किया। वो तो अभी जाकर हमने स्टार्ट किया कि आत्मनिर्भर भारत वगैरह हमने स्टार्ट किया जिसके थ्रू हम अपने खुद के वेपन्स वगैरह बना रहे हैं, बट इससे पहले हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे रशियन वेपन्स के ऊपर। नाउ अगर आप ये चीज समझेंगे, सो रशिया यहाँ पर क्या कर रहा है, रशिया यहाँ पर अपने ओल्ड फैशन ग्रीवांसेस को देख रहा है, रशिया अपने पुराने पुराने ग्रीवांसेस को लेकर आ रहा है जो 1990s के आसपास से जो उसके रशिया ग्रीवांसेस थे उन सबका बदला यहाँ पर ले रहा है। बट रशिया यहाँ पर इंडिया के फ्रेंडशिप के बारे में नहीं सोच रहा है। सोचिए यहाँ पर एक अच्छा फ्रेंड कौन होता है, अगर रशिया और इंडिया अगर सच में अच्छे फ्रेंड्स हैं तो इंडिया यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक टाइप का डालमा में फंसा हुआ है बिकॉज रशिया और यूएस के बीच में उसको चूज करना पड़ रहा है। अगर रशिया इस डालमा को समझता तो रशिया कहीं ना कहीं अपने इस वॉर को उसी टाइम रोक देता जब इंडिया को इससे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी। बट एज वी नो ऐसा यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर होता नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ऐसा होता नहीं है। आईआर के अंदर हर एक कंट्री अपने खुद के इंटरेस्ट को देखती है, अगर खुद का इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, सामने वाला जो मतलब कंट्री है वो फ्रेंड है या फिर नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द सेम थिंग जो कि यहाँ पर राइट नाउ इंडिया के अंदर हो रहा है। अगर आप समझेंगे राइट नाउ, देखिए पुतिन की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो लगातार कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रही है, वो हम समझ रहे हैं। पुतिन की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही है। बट अगर आप एक अगर आप दूसरी तरफ समझेंगे तो जो ऑल्दो यहाँ पर जो रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनकी थिंकिंग यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली अलाइन नहीं हो रही है, बट जो रशिया की जो मतलब वैल्यू है इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में कहीं ना कहीं वो भी डिक्लाइन हो रही है ना। देखिए पुतिन एक प्रेसिडेंट है, रशिया एक कंट्री है, पुतिन अपने वैल्यूज से खुद की वैल्यू को डाउन मतलब डाउन कर सकते थे, बट यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुतिन अपनी वैल्यू से मतलब पुतिन अपनी सोच से बेसिकली रशिया की वैल्यू को लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं और रशिया की खुद की जो वैल्यू है इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर वो कहीं ना कहीं डाउन होनी स्टार्ट हो गई है। इंडिया मतलब देखिए इंडिया का बोलना यह है यहाँ पर कि जो रशिया है कल को रशिया एक टाइप का न्यूक्लियर आर्म सुपर पावर था बिफोर कोल्ड वॉर, मतलब एक टाइप का न्यूक्लियर आर्म सुपर पावर हुआ करता था। अगर कल वो ऐसा था तो राइट नाउ इंडिया मतलब जो रशिया है वो एक टाइप का न्यूक्लियर आर्म बुली की तरह काम कर रहा है, मतलब दूसरे आसपास की कंट्री को मतलब धमका रहा है, डरा रहा है और उससे अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है। नाउ हम जानते हैं कि रशिया एक ट्रांजिशन के स्टेट के अंदर है और इंडिया अभी राइट नाउ जो रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाह रहा है वो एक बहुत ही कहीं ना कहीं डेंजरस एम्स की तरफ जा रहा है, मतलब इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मूव नहीं कर रहा है। राइट अगर आप समझेंगे
एक तरफ तो हम देख रहे हैं रशिया लगातार इसके अगेंस्ट बातचीत कर रहा है कि नेटो वगैरह का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, एक तरफ तो ये चीज क्लियर है। बट अगर आप नेटो का स्टेटमेंट सुनेंगे, नेटो ये बोलता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि नेटो यूनिलेटरली ईस्ट की तरफ यहां पर एक्सपेंड कर रहा है, रशिया भी तो वेस्ट की तरफ एक्सपेंड कर रहा है ना। और सेकंड चीज, यहां पर नेटो और ईस्ट जो रशिया है उसका एक काउंसिल बना था ताकि रशिया के जितने भी कंसर्न वगैरह है उसको 1990s के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसीलिए एक टाइप का काउंसिल बनाया गया था। बट रशिया ने इस काउंसिल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट चीज, रशिया को यहां पर एक टाइप का सुपर पावर का एक स्टेटस दिया गया था जब बोला गया था कि रशिया को उन्होंने G7 कंट्री के अंदर इंक्लूड कर लिया था। देखिए जब आप जानते हैं रशिया राइट नो G7 जो था उसका पहले नाम G8 हुआ करता था राइट, और G8 के अंदर अभी आप जानते हैं कौन कौन से कंट्री G7 के अंदर है, वी हैव US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, ये कुछ कंट्रीज हैं। इससे पहले रशिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ G7 जब उसको G8 बोलते थे, बट 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद रशिया को यहां पर उससे निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, अब देखिए जब अब जो जितने भी नेटो कंट्रीज है उनका ये बोलना है कि जो G7 कंट्री के अंदर जो रशिया को मेंबरशिप दी गई थी दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल माइट, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियली पावरफुल था इसलिए हमने उसको G7 के अंदर इंक्लूड कर लिया, बट इसलिए दिया गया था ताकि जो उसका सुपर पावर का जो ईगो है वो ईगो यहाँ पर डाउन हो सके और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो सके। ठीक है, अब देखिए समझिए रशिया का इंटरेस्ट वर्सेस पुतिन का इंटरेस्ट किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है। हमने देखा, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी है, बट आप देखेंगे कि इंडिया का जो ट्रुथ है वो कहीं ना कहीं सबके बीच में है। इंडिया यहाँ पर ना ही रशिया को फुली सपोर्ट कर रहा है, ना ही फुली यहाँ पर उसके अगेंस्ट में बैठा हुआ है, ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ना ही यूक्रेन के अगेंस्ट में बैठा हुआ है। द पॉइंट इज जो भी प्रॉब्लम है वहां पर कहीं ना कहीं बीच के अंदर बैठा हुआ है। नाउ अभी राइट नाउ ऑलमोस्ट एक ऐसा नैरेटिव बन चुका है कि इंडिया के अपने रिलेशनशिप विद रशिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से चेक करना होगा, सीरियसली थिंक करना होगा कि जो यूक्रेन का ट्रेजडी हो रहा है क्या वो सेम ट्रेजडी किसी दूसरे कंट्री के साथ नहीं हो सकता है। राइट, किसी भी तरीके का जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो प्रॉब्लम वगैरह चल रही है प्रॉब्लम फिर से रिपीट भी तो हो सकती है ना, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंडिया को अपने फिर से रिलेशनशिप विद रशिया को एक बार फिर से देखना होगा। नाउ एक चीज हम देखने लगातार रशिया यहाँ पर लगातार चाइना के क्लोज जा रहा है, अगर चाइना के क्लोज जा रहा है और सेकंड तरफ अगर आप देख रहे हैं इंडिया का जो एंगेजमेंट है मतलब विद यूएसए एंड क्वाड इसको लगातार रशिया कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट बोलता रहता है, मतलब इंडिया अपने रिलेशनशिप को जो क्वाड के साथ और इंडिया का जो रिलेशनशिप है यूएसए के साथ इसके अगेंस्ट में यहां पर रशिया बोलता रहता है। इसी समझिए, हम इंडिया रशिया के अगेंस्ट कभी नहीं बोलता है बट रशिया यहाँ पर लगातार इंडिया के अगेंस्ट बोलता रहता है। नेक्स्ट चीज, इस सब के कारण अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तो हम रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट साथ ही साथ हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टेक्निकली जब यूक्रेन यहाँ पर जब यूक्रेन को यहाँ पर सपोर्ट चाहिए एक्चुअली तब हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक तरफ समझिए, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, हो सकता है कि उनको मिस्टर पुतिन पर्सनली बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप साथ में काफी अच्छे हो, दैट इज टोटली करेक्ट, बट द पॉइंट इज जो ग्लोबल डिप्लोमेसी होती है वहां पर एक पर्सन के बेसिस पे कभी भी डिसाइड नहीं होती है। हम रशिया के साथ इसलिए अपने रिलेशनशिप को अच्छा नहीं रख सकते बिकॉज मोदी यहाँ पर पुतिन को बहुत ही पसंद करते हैं और मोदी की रिलेशनशिप पुतिन के साथ अच्छी है इसलिए हम दोनों को साथ में नहीं रख सकते। यहाँ पर इंडिया को अपने इंटरेस्ट को देखना होगा और हम एक चीज जो देख रहे हैं राइट नाउ कि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया को फ्यूचर में मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट कर सकती है बिकॉज रशिया की जो वैल्यू है लगातार डिमीन हो रही है। And that is why अभी जितना बैलेंसिंग एक्ट का जो प्रॉब्लम था ना जो रशिया और यूएस के बीच में उसको इंडिया को कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करना होगा, उस चीज से चेंज करना होगा। और देखिए ये चीज तो इनेविटेबल है कि रशिया यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन इसके ऊपर लगे हुए हैं, उसके कारण इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। तो राइट नाउ इंडिया को कहीं ना कहीं फिर से रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने की जरूरत है। इंडिया को जरूरत यह है कि इंडिया अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइन करे ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह उस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर सके।